हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग क्लास नाइन्थ का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही कवर करेंगे। लास्ट जो भी क्लासेस थी उसमें हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ लिया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड के बारे में पढ़ा था एंड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉलिकुलर मास। मैं पूछूं कि मॉलिकुलर मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास के बारे में हम लोग को जानना है आज के क्लास में। तो बेसिकली जो मॉलिकुलर मास है, और मैं एक तरफ एटॉमिक मास की बात करूं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो एटॉमिक मास जो होता था वो मास ऑफ वन एटम था, एग्जैक्टली यही था। और इसकी यूनिट थी, आपको याद होगा, एएमयू, या हमने बोला था एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं यूनिफाइड, दैट इज यू। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी मॉलिकुलर मास डिफाइन होता है एंड इसको बोलते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? बेसिकली हमने ये सारे टर्मिनोलॉजी पीछे डिस्कस किया हुआ है। कोई बच्चा इस लेक्चर को डायरेक्ट देखेगा तो मे बी प्रॉब्लम फेस करे, बट जो लेक्चर नंबर वन से जो देख रहा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि मैं आप लोग को समझाऊं, देखो बेटा, एक तो डेफिनेशन ये हो गया अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए चलो। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ग्रुप में हो जाए या कंबाइन हो जाए तो वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करती हैं। यानी कि अगर मॉलिकुलर मास को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक डेफिनेशन ऐसा होगा कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड, किसी दिए हुए कंपाउंड में जो भी एटम्स हैं एलिमेंट के उनको बोलते हैं बेटा कम मॉलिकुलर मास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपने यूज किए हैं उनके मास को अगर हम सम कर देते हैं तो वो हमको क्या देंगे बेटा? मॉलिकुलर मास देंगे। और इसकी भी यूनिट क्या होगी मैं बता दूं, इसकी भी यूनिट एएमयू होगा या यूनिफाइड यू होगा। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम एग्जांपल से अगर कुछ मॉलिक्यूल्स को लिखूं, जैसे एग्जांपल में मैंने कहा CO2 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर वन। हमने कहा हमारे पास H2O है, एग्जांपल नंबर टू। हमने कहा हमारे पास CH4 दैट इज मीथेन है हमारे पास। उसके बाद हमने कहा कि कास्टिक सोडा है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आपसे कहा जाए कि इनका मॉलिकुलर मास बताइए, मॉलिकुलर मास बताइए, तो हमने सिंपली बोला कि इनको बोलते हैं मॉलिकुलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं? एक तो कार्बन है, कितना कार्बन है भाई? इसके पीछे कोई नंबर नहीं लिखा है तो वन है, वन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं? दो हैं, तो टू ऑक्सीजन ऐसे लिख लो। अब बेसिकली अगर इनके मास को कैलकुलेट करना होगा तो कार्बन के एक एटम का मास 12 amu होता है और ऑक्सीजन के दो एटम का मास भाई 16 × 2 कर लो amu। तो आपने क्या देखा यहां से, ये होगा 12 amu प्लस 32 amu या u कह लो, ये 44 amu आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अब हम H2O के बारे में बात करें, H2O में क्या होगा भैया? दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, दो हाइड्रोजन का 2 amu, एक ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल 18 amu होगा, या U भी कह सकते हैं। इसकी बात करूं तो एक कार्बन
फोर हाइड्रोजन, एक कार्बन का 6 AMU, फोर हाइड्रोजन का 4 AMU, दैट इज 16 AMU और U। यहाँ पे हम बात करें सोडियम एक है, वन सोडियम, वन ऑक्सीजन, ओ वन ऑक्सीजन प्लस वन हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो सोडियम होता है 23 AMU प्लस ऑक्सीजन 16 AMU प्लस वन, मतलब 24 प्लस 16 दैट इज 40 AMU और U होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बहुत ही आसान है, इनको कैलकुलेट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मॉलिकुलर मास निकालना है। मॉलिकुलर मास को बोलते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, या हम बोलते हैं वो कंपेयर करें तो मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम हो तो अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम कह सकते हैं सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड। और इसको अगर हम यूज करेंगे, CO2 एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम्स हैं, दोनों को सम किया, ये सम करने के बाद जो मास निकला वो मॉलिक्यूलर मास होगा। इसी तरह से वाटर, इसी तरह से मीथेन, इसी तरह से कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी बात कर सकते हैं। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम आगे कुछ और टॉपिक्स इसमें कवर करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहूं कैलकुलेट, मैं कहूं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग, है ना। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करूं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज, मेरा सेकंड क्वेश्चन है शुगर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है शुगर, मेरा थर्ड क्वेश्चन है यूरिया, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है CaCO3, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, मेरा फिफ्थ है H2SO4, है ना। सिक्स नंबर पे हम बात करें तो सिक्स नंबर पे हम कह सकते हैं इथेन गैस C2H6 ले लेते हैं, है ना। और भी बहुत सारा ले सकते हो आप, सेवेंथ नंबर पे चाहो तो अमोनिया ले लो, इसको NH3 बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया कि बेटा इन सभी का क्या निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो वीडियो के दौरान आप वीडियो को पॉज करके इनके मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेना कॉपी में, देन कंपेयर करना जो भी मैं करने जा रहा हूँ। फिलहाल ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन होगा। इसको देखोगे 6 इंटू कार्बन 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 6 इंटू कितना बेटा 16। ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो 180 AMU आएगा या U आएगा। शुगर का फॉर्मूला बेसिकली C12H22O11 होता है। अब इसको अगर हम करें तो 12 कार्बन है प्लस 22 हाइड्रोजन है प्लस 11 ऑक्सीजन है। यहाँ अगर न्यूमेरिकली इसको देखें तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो 144 प्लस 22 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे 11 है, 11 को 16 में अगर मल्टीप्लाई हमने करते हैं तो ये होता है 176। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इनको सम अप करोगे तो ये आते हैं 342 AMU और U, कुछ भी हो सकता है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO NH2 का होल ट्वाइस होता है। देखो बेटा इसको लिख सकते हैं कार्बन जो कि नंबर में एक है, इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन जो कि नंबर में एक है, इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन जो कि नंबर में दो है, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, इस 2 से इस नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नाइट्रोजन होगा। अब इस 2 हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 हाइड्रोजन होगा। इनको पूरा अगर आप निकालते हो तो ये 12 प्लस यहां पे देखो ऑक्सीजन 1 है मतलब 16 प्लस नाइट्रोजन 2 है मतलब 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 4 इंटू 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 60 AMU आएगा। आपको क्लियर होना चाहिए। CaCO3 की मैं बात करूं तो CA होगा 1 प्लस कार्बन होगा 1 प्लस ऑक्सीजन होगा 3। यहां से कैलकुलेट करके निकाल लेना 100 AMU इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर H2SO4 की बात करूं तो इसमें होगा 2H प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, इसको सम करके निकाल लेना 98 AMU आएगा।
इसी तरीके से अगर हम C2H6 की बात करें तो दो कार्बन प्लस छह हाइड्रोजन होगा, इसको सॉल्व करके अगर आप निकालते हैं ये लगभग 30 आता है। इसी तरीके से मैं बात करूं अमोनिया की, बात करता हूं जिसमें हमने NH3 लिया है, अमोनिया की बात करता हूं इसमें हमने NH3 लिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होगा 1 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन के बराबर होगा। अब 1 नाइट्रोजन को 14 लिख सकते हो, 3 हाइड्रोजन इंटू 1 कर सकते हो, ये 17 MU आएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मॉलिकुलर मास हम कैसे कैलकुलेट करें किसी दिए हुए कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो और अच्छे से नोट्स बनाना है भाई आपको। आप केमिस्ट्री को बिना नोट्स के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे मोटे डेटा हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, आप एक बार में कुछ याद नहीं कर सकते। नोट्स को डेवलप करो, उस नोट्स को बार बार पढ़ो, पढ़ोगे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियोज में अगर एक बार में प्रॉब्लम हो रही तो दो बार में प्रॉब्लम क्रिएट करो, आप देखो उसके बाद अगर भी फिर भी आपके डाउट्स हो जाते हैं कमेंट में, आप भाई कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ रखते हो अपने पॉइंट्स को तो मैं उस डाउट का भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस मीडियम के माध्यम से एक चीज और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा 9th और के बच्चों के लिए या 10th के लिए, और जस्ट मैं MTSC ओलंपियाड और इन सब चीजों के लिए भी केमिस्ट्री का एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। सो आप लोग चैनल पे बने रहो और ज्यादा से ज्यादा इसको थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बेनिफिट्स मिलें। और भाई जो भी ये वीडियोज होंगे इनके लिए कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, आप एक अच्छे लेवल की केमिस्ट्री सीख सकते हो इस चैनल के माध्यम से। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नया हमारा जो टॉपिक होगा वो सेम वैसी होगा जैसे एटम के लिए किया था, अब होगा ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो सीधे सीधे आप मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं मोलिकुलर मास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। क्या बेटा, लिख देता हूं इसको मॉलिकुलर मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज कॉल्ड, क्या बेटा, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कई बार GMM के नाम से भी जानते हैं। तो देखो जैसे मैं कहूं कि CO2 हमने लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं बेटा CO2 लिया, तो CO2 का आप बताइए मॉलिकुलर मास कितना होता है, याद ही हो गया होगा, नहीं भी याद है तो निकाल लो। बोलो कार्बन 12 और 32, 44 MU हुआ। अगर मैं इसी का कहूं कि ग्राम मॉलिकुलर मास बताओ, GMM बताओ, तो वो कुछ नहीं करना है, 44 ग्राम लिख देना है, बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। जो ग्राम मॉलिकुलर मास है, ग्राम मॉलिकुलर जो मास है इसका जो यूनिट होता है वो बेटा जी ग्राम होता है, और जो मॉलिकुलर मास है उसका जो यूनिट होता है वो AMU होता है या यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मालूम है कि 1 AMU 1.67 × 10^-24 ग्राम के बराबर होता है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों के बीच में हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट हमने जो जो भी बातें हमने करी। अब इसमें एक नोट्स बना के और भी चीजें लिख सकते हो। नोट्स में क्या लिख सकते हो कि कई बार इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आती है जिसको बोलते हैं हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या हम इसी को कहते हैं मास ऑफ 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। ये दोनों बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी डेफिनेशन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करना होगा, और जो तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैं उसको भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करिएगा आप लोग सही से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसमें सबको पता है कि अब हम सीधे सीधे मोल को इंट्रोड्यूस करेंगे,
मेरा आज का जो सेशन होगा इसमें ये जो टॉपिक हम ले आएंगे उसमें मैं पूछूंगा व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल क्या है तो बोलोगे मोल तो अनमोल है। क्या है बेटा बोलो, क्या बोलोगे? मोल है अनमोल, है ना? क्या है? मोल है अनमोल। भाई देखो, अनमोल इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने में परेशान करेगा, लेकिन मैं इसको क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला पॉइंट जो हमने डाला है वो है व्हाट इज मोल। तो यहाँ कई तरह के बातें चलेंगी। पहला कि मोल के बारे में मैं बताऊंगा। अगर मैंने कहा मोल है तो बोलते हैं ये कि ये इट इज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिट है। किसका? बोलो किसका भाई? तो वो बोलोगे एक शब्द है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिक्स में आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी, सेवन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें एक क्वांटिटी का नाम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। जैसे भी लेंथ होता है, टेम्परेचर होता है ना? उसी तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी और है जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो होता है मोल। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मोल क्या है। इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या मोल एक नंबर है ऐसा भी माना जाता है। मोल एक नंबर है जो कि 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो वो तो एक एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस हो गई, एवोगैड्रो का एक विचार हो गया, एवोगैड्रो की एक लॉ हो गई, एवोगैड्रो का एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे कोई डायरेक्टली चलता फिरता पूछे कि व्हाट इज मोल, तो बोलोगे मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। भैया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या मतलब है? एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने कहा कि आप इंडस्ट्री में हो जिसमें नाइट्रोजन है और उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करा के और आप अमोनिया की फॉर्मेशन करना चाहते हो। अमोनिया से भाई यूरिया वगैरह बहुत सारी चीजें अमोनिया से बनती है। अगर किसी कंट्री में अमोनिया की कंजम्पशन ज्यादा है, मतलब उस देश में जो फार्मिंग जो बेस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। वैसे भी नाइट्रोजन को हम बोलते हैं निकोजेन। निकोजेन का मतलब होता है सफोकेटिंग और या हम बोलते हैं ये फर्टिलाइजर्स फॉर्मिंग। यहाँ पे थ्राइस हम लोग करेंगे। देखो बेटा, हम अगर दो बातें कहें, मैं कहूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है समझना, तो नाइट्रोजन को बोलोगे एक तरह का सब्सटेंस है। मैं पूछूं हाइड्रोजन क्या है तो बोलोगे हाइड्रोजन एक तरह का सर सब्सटेंस है। तो इस सब्सटेंस और मैटर क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये पहले लेक्चर में बता दिया था मैटर क्या है। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि यहाँ 20 ग्राम है, यहाँ 30 ग्राम है और यहाँ मैंने कहा कि 20 ग्राम है, एक मैंने डेटा ऐसे दे दिया। मैं पूछूं ये क्या है तो बोलोगे सर ये जो 10 ग्राम है ये अमाउंट है। क्या है बेटा? अमाउंट है। ये 30 ग्राम क्या है बेटा? इसका अमाउंट है। और ये 20 ग्राम क्या है बेटा? इसका तो बोलोगे सर अमाउंट है। और आपको मैं ऊपर मैंने बताया है कि अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस की जो यूनिट होती है मोल होती है। मतलब मोल की जो जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ मोल की मैं बात करूं तो जरूरत यह है कि व्हेन एवर समवन आस्क यू टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनी गिवन रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, देन यू विल यूज द बेसिक टर्म और यूनिट ऑफ दिस टर्म दैट इज मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यह है कि अगर आपने किसी से या आपसे किसी ने कहा कि किसी सब्सटेंस का अमाउंट निकालो, तो उस अमाउंट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट क्या बेटा? मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोल इसीलिए अनमोल है भाई, मोल इसीलिए अनमोल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इतनी सारी कहानियां हो गई, एग्जैक्ट हम लोग डेफिनेशन जान लें, एग्जैक्ट हम लोग डेफिनेशन जान लें कि मोल क्या होता है। तो बोलते हैं मोल इज अमाउंट ऑफ, भाई मोल क्या होगा? अमाउंट ही होगा। मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स क्या बेटा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स और आयंस
और पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? विच आर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स, इसकी जो मैं बात करूं तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब इसको हमने बेस मान के ही मोल को डिफाइन किया है। फिर से मैं बोलूं, मोल किसी भी सब्सटेंस का एक अमाउंट होता है जिसके अंदर, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मोल कहीं आपको दिया है तो आप तुरंत तुरंत दिमाग में अपने सोच लेना कि अगर ये मोल है तो इसके अंदर या तो एटम्स हो सकते हैं बेटा, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बेटा, या फिर आयंस हो सकते हैं बेटा, या फिर इसके अंदर पार्टिकल्स हो सकते हैं। इतनी बातें तो आपको तुरंत तुरंत सोच लेना है। और वो कितने होते हैं, जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज मोल। मोल क्या है? मोल एक इकाई है, एक यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की। परिभाषित हम कैसे करें, डिफाइन कैसे करें? तो ये डेफिनेशन है, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस और पार्टिकल्स व्हिच आर एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। अब एक शब्द आखिरी है जो जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है बेटा कि क्या है आइसोटोप्स। मैं पूछूंगा व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोटोप्स भी मैं बता देता हूं। तो बोलते हैं दे आर द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कार्बन का 3 सेट ले लो, 1 2 3, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। देख लो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन 1 1 होता है, हाइड्रोजन 1 2 भी होता है, हाइड्रोजन 1 3 होता है। अब इनमें देखो सब नीचे 1 है, ऊपर बराबर नहीं है, तो ये सेट क्या होंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आइसोटोप्स की भी इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब कल की जो भी क्लासेस होंगी या नेक्स्ट जो भी इसमें लेक्चर होगा, उसमें हम मोल्स को कैलकुलेट करने के तरीके, मोल्स किन के लिए कैलकुलेट किया जाए, अगर मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया या हमारे पास गिवेन मोल्स हैं, एग्जैक्टली उसमें कितने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, इन सारी बातों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, मैं नेचुरली आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है बेटा।